नवरात्रों का चौथा दिन है और नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस देवी की पूजा से भक्तों के समस्त रोग निक जाते हैं, साथ ही आयु, यश, बल और आरोग्य में भी बढ़ोतरी होती है। पुरानी कथाओं के अनुसार कुष्मांडा माता की 8 भुजाएं होती हैं, जिसके कारण इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। कुष्मांडा देवी ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, शंख, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला धारण की हुई है। माँ के पास इन सभी चीजों के अलावा हाथ में अमृत कलश भी है। माँ का वाहन सिंह है और इनकी भक्ति से आयु, यश और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्धि और कौशल का विकास होता है। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करने चाहिए। नवरात्रों में माँ भगवती के सभी 9 रूपों की पूजा अलग अलग दिन की जाती है। शारदीय नवरात्रों में चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का अलग ही महत्व है।